एक भोट मांगतानी रउआ से सिर नवा के। कीलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। बिहार में तीसरे चरण का नगर निकाय की तैयारी जोरों पर है। तीसरे चरण का नामांकन भी समाप्त हो चुका है। बता दें कि बिहार में कई ऐसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में चुनाव होना बाकी है। इसी कड़ी में बांका नगर परिषद वार्ड नंबर 9 वार्ड पार्षद प्रत्याशी नीतू देवी के प्रतिनिधि अजय कुमार से ओंकार झा की खास बातचीत हुई। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। बिहार में चुनावी दंगल है, चुनावी माहौल है, चारों तरफ चुनाव का शोर सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नगर निकाय का चुनाव होना है, तीसरे चरण का मतदान होना है। मतदान 9 तारीख को होगी और मतगणना 11 तारीख की होगी। किसके सर पे ताज होगा, बात करेंगे। अभी हमारी पूरी टीम बांका जिला में है और यहाँ पे वार्ड नंबर 9 में मेरी मुलाकात नीतू कुमारी के, जो नीतू देवी के जो प्रतिनिधि हैं अजय कुमार यादव जी से हुई, उनसे ही जानेंगे कि उनकी धर्म पत्नी गृहस्थी जीवन को छोड़ के चुनावी मैदान में क्यों आई है, क्या काम करना चाहती है और कहाँ तक अपने वार्ड को पहुँचाना चाहती है। अजय भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, क्या कारण है? देखिए, जनता जो है, जनता बोला काम करने के, जो विकास करने के लिए जो है, इसलिए विकास करने के चुनाव जो है लड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जनता की सेवा और अपने वार्ड के विकास के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे समस्याएं क्या क्या है? समस्या बहुत है, जो प्रचार में ये जा रहे हैं तो नाला जो है, नाला में जो है साफ सफाई नहीं हो रहा है और ढक्कन नहीं रहता है उसमें जी। हाँ, नाला बना हुआ ढक्कन नहीं है, टूटा हुआ रोड है, वो जगह से चुनाव प्रचार में जा रहे हैं सब जगह जी। वार्ड नंबर 9 घूम रहे हैं जी, तो वहाँ बहुत समस्या देखे हैं जी। हाँ, पानी का समस्या है जी, बहुत समस्या है, पानी की समस्या है, पेयजल की समस्या जी। तो इस गर्मी में कैसे लोगों को निजात दिलाएंगे आप? जरूर दिलाएंगे। जीतने के बाद अगर यहाँ की जनता आपको वार्ड पार्षद का ताज पहनाती है तो उनके लिए क्या क्या काम करेंगे? 5 ऐसे काम बताएं जो जनता को समर्पित होगा। फर्स्ट में जो है जल नल योजना जो है, पानी व्यवस्था हर घर जाएगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और दूसरा, रोड नाली और ढक्कन ये साफ सुथरा पूरा एकदम जो है वार्ड नंबर 9 का जितना भी है सफाई रहेगा एकदम ठीक। बिजली बत्ती जी, बिजली बत्ती भी रहेगा, बिजली बत्ती रहेगा जी। अभी हमारी जब टीम यहाँ पे घूम रही थी तो पता चला कि कुछ वृद्ध लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है लेकिन उनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए हम जो है तत्पर हैं और रहेंगे, वही जीत आती है मेरी पत्नी चुनाव तो हम उसके लिए वृद्धा पेंशन, कन्या योजना जी, और जो है जितने भी तरह के सरकारी योजना होगा वो धरातल पे उतारेंगे, धरातल पे उतार के उन कुछ लाभों को देंगे जिसको उसकी जरूरत है। अब हम एक सवाल और करना चाहेंगे आपसे, आपकी जो धर्म पत्नी है एक महिला प्रत्याशी है, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे? महिलाओं के लिए जो है ऐसा रोजगार देंगे जो कि आत्मनिर्भर अपने महिला जो रहे, आपको काम कुछ कर सके, 10 रुपया का आमदनी रहे जी। महिला को आत्मनिर्भर बनाने का कोशिश करेंगे। यहाँ की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? जनता संदेश यही देना चाह रहे हैं और हमारे 9 वार्ड जो है, वार्ड नंबर 9 की जनता को यही प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि एक बार मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए। आइए, यहाँ की कुछ जनता भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? चौधरी साहब, ये बताएं, नीतू जी चुनावी मैदान में है, उनके प्रतिनिधि ने बहुत चीज बताई, ये काम होगा, क्या कहाँ तक सत्यता है? नहीं, ये बात तो सही है। आज अगर आप इस मोहल्ले से गुजरे, मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला भी हूँ जी, तो अगर इस मोहल्ले से जाए तो आपको दिखेगा वो चीज़ जो उन्होंने बताया कि नाली की समस्या तो बहुत बड़ी बात है। अगर बारिश हो जाए जी तो रोड पे पूरा वो कचरे के साथ आ जाएगा, जल जमाव की, जल जमाव है, मॉस्किटो ब्रीडिंग होगा, ठीक है, तो बीमारी तो नेचुरली होना है जी। और बहुत जगह ऐसा भी है जहाँ पे आप जाएंगे अंदर गली में भी, रोड भी अच्छी तरह से नहीं बना हुआ है जी जी, तो बहुत जगह ऐसा भी नजर आपको दिखेगा, इस तरह की समस्या है, समस्या है, ये समस्या है जी। तो हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि ये जो हमारे सदस्य जीतने वाले होंगे, ठीक है, ये कम से कम इन खास चीजों पे ध्यान दें, उनका ध्यान हो, ठीक है, और फिर आगे तो जो उनको करना है
करेंगे। माने ये दो चीज मेरे हिसाब से बड़ी समस्या। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। जनता सोच रही कि ये काम होगा और ये जनता हमारे साथ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी, आप ये बताएं, नीतू जी चुनाव लड़ रही है, क्या लग रहा है, क्या क्या काम कर पाएंगे? इस वार्ड में तो काफी समस्या है, कुछ चला जी, जैसे कि यहाँ पानी का सबसे बड़ा समस्या है, दूसरा की सफाई का भी समस्या है जी। और हमें यहाँ तक उम्मीद है कि ये नया प्रत्याशी जो है काम दो चीज पे काफी ध्यान देंगे जी, और ये शुरू से ही जन सेवा में जुड़े हुए, इसीलिए यहाँ की जनता जनार्दन ने इनको खड़ा किया, बिल्कुल खड़ा किए हुए हैं, और जीत के भी आएंगे जी, जीत के भी आएंगे जी, सुनिश्चित है। आपने देखा जो हमारे प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं और यहाँ की जनता जो समर्थक है, उनका कहना है कि ये इकलौते व्यक्ति हैं जो काम कर सकते हैं, जन सेवा कर सकते हैं, शुरू से जन सेवा करते आए हैं और जन सेवा करते रहेंगे। जनता को भी इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया कि अगर एक बार हमें मौका देती है तो उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। मैं बार बार अपने वीडियो में एक चीज कहता हूँ, जो पानी से नहाएगा उसे लिबास बदल सकता है, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। ये कहावत जो है नीतू देवी पे सटीक बैठती है। अभी भी वो फील्ड में ही काम कर रही है, जनता जनार्दन के बीच में जा रही है। बाकी देखते हैं जनता जनार्दन इनको कहाँ पे बैठाती है, क्योंकि जनता मालिक है, जनता भगवान है। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल।